सो कल हमने यहाँ तक देखा था, फ्लोटेशन तक, है ना। यस सर। सो इसके तीनों केस समझ में आ गए थे। अगर सॉलिड की डेंसिटी कम है लिक्विड से, तो वो फ्लोट करता है पार्शियली आउटसाइड पार्शियली इनसाइड। उसका कितना फ्रैक्शनल वॉल्यूम अंदर रहता है, उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। परसेंटेज में बताना है तो गुड इनटू आफ्टरनून हंड्रेड सर। कर दो। गुड आफ्टरनून, ठीक है। अगर डेंसिटी दोनों की इक्वल है, तो वो उसका वी इनसाइड वाला पोर्शन वी टोटल के इक्वल आ जाएगा, समझ में आया। और अगर सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है, तो वो ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। सो बच्चों, अभी तक हम पढ़ रहे थे हाइड्रोस्टेटिक्स या फ्लूड स्टेटिक्स, अब हम पढ़ेंगे फ्लूड डायनेमिक्स, मीन्स फ्लूड इन मोशन। फ्लूड इन मोशन, जैसे पाइप के अंदर वाटर फ्लो हो रहा है, या कोई लिक्विड पाइप के अंदर, ही एक पाइप है, इसके अंदर लिक्विड ऐसे मूव कर रहा है, समझ में आया। तो ये आएगा फ्लूड डायनेमिक्स, ठीक है। अब फ्लूड इन मोशन या फ्लूड डायनेमिक्स में एक टर्म होती स्ट्रीम लाइन, ये हमें बहुत काम में आएगी, और हम हमारे सिलेबस में भी स्ट्रीम लाइन फ्लो ही हमें पढ़ना है। विच फ्लो? स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो सबसे पहले स्ट्रीम लाइन क्या होता है, ये हम देखते हैं। स्ट्रीम लाइन इज ए लाइन, एक लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, या कर्व होता है। इट इज ए लाइन और कर्व। ये लाइन इस तरह की हो सकती है, या इस तरह का कर्व हो सकता है, कि इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट पता है ना सबको क्या होता है, यस जैसे सर। कि कर्व है, इसके किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो उस पॉइंट पर उस फ्लूड के पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी मुझे। किसकी डायरेक्शन मिल जाएगी, वेलोसिटी जैसे मान लो इस रीजन में फ्लूड के पार्टिकल्स इस स्ट्रीम लाइन पर फॉलो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, है ना। तो इस पॉइंट पर अगर कोई फ्लूड का पार्टिकल है, ये स्ट्रीम लाइन, ठीक है। इस पॉइंट पर फ्लूड के पार्टिकल की डायरेक्शन होगी इस तरफ, टेंजेंट ड्रॉ करके पता लग जाएगा। इस पॉइंट पर फ्लूड के पार्टिकल की डायरेक्शन होगी इस तरफ, इस पॉइंट पर फ्लूड के पार्टिकल की डायरेक्शन होगी इस तरफ, समझ में आया। यस सर। सो इट इज ए इमेजिनरी लाइन और कर्व। कर्व भी हो सकता है या स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, डिपेंड करता है मोशन कैसा हो रहा है। टेंजेंट टू विच प्रोवाइड्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूड पार्टिकल्स एट दैट पॉइंट। या फिर हम बोल सकते हैं लाइन और कर्व अलोंग विच फ्लूड पार्टिकल्स आर मूविंग, उस लाइन या कर्व को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। समझ में आया क्या, समझ में आया। जैसे मान यस लो यस सर। सर ये कोई एक स्ट्रीम लाइन, ठीक है। यहां पर अगर कोई फ्लूड इस लाइन के अलोंग ये सारे फ्लूड पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं इस लाइन के अलोंग, ठीक है। सो किसी भी पॉइंट पर अगर हमें फ्लूड पार्टिकल की डायरेक्शन बतानी है, जैसे इस पॉइंट पे बतानी है, तो इसे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। इस पॉइंट पे बतानी है तो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। इस पॉइंट पे बतानी है तो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, समझ में। मान लो यहाँ पे V1 है, यहाँ पर V2 है, यहाँ पर V3,
समझ में आया क्या? यस सर, इसे बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। ठीक है, अब फ्लूड डायनेमिक्स में हम जो या फ्लूड इन मोशन में हम आगे बढ़ने से पहले, इसकी थ्योरी डेवलप करने से पहले इसके अजम्पशंस लिख लेते हैं एक बार। इसके क्या लिख लेते हैं? अजम्पशंस जो हमें फॉलो करने। ठीक है, फर्स्ट अजम्पशन हमने जो पहले फ्लूड स्टैटिक में भी जो लिया था वो यहाँ पर भी, फ्लूड जो है वो इनकॉम्प्रेसिबल। ध्यान है ना वाला अजम्पशन? यस सर। इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब क्या है? इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अगर आप कोई प्रेशर लगाओ अलग से, इस पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लगाओ फ्लूड पर, तो इसके वॉल्यूम में कोई कंप्रेशन नहीं आएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। इट मींस डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, मतलब डेंसिटी और वॉल्यूम का प्रेशर से कोई रिलेशन नहीं रहेगा। आप अगर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दो, इसकी डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज इनकॉम्प्रेसिबल। समझ में आया? सेकंड जो हमने वहां पर भी लिया था, नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब क्या था? नो टेंजेंशियल फोर्स इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड। ध्यान है ना? यस सर। यस सर। नो टेंजेंशियल फोर्स इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड या लिक्विड। समझ में आया? एक और अजम्पशन हम यहाँ पर लेने वाले हैं। ये दो तो हमने पहले से ले रखे हैं। इरोटेशनल। इरोटेशनल का मतलब क्या है? नो रोटेशनल मोशन। फ्लूइड के पार्टिकल के पास रोटेशनल मोशन नहीं होगा। इट मींस उनके पास ओनली लीनियर मोशन होगा। ये जो पार्टिकल है वो इस तरह से लीनियरली या स्ट्रेट लाइन में या अलोंग द कर्व ऐसे मूव करेंगे, ये इस तरह से रोटेट नहीं करेंगे। समझ में आया? या ऐसे ऐसे रोटेट नहीं करेंगे ये पार्टिकल्स, ऐसे सीधे सीधे, जैसे कोई पार्टी, ये एक पार्टिकल है तो इसका मोशन ऐसे होगा। ये पार्टिकल कहीं पर ऐसे घूम के ऐसे रोटेशनल मोशन नहीं करेगा। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। इररोटेशनल बोलते हैं इसको, नो रोटेशनल मोशन। ओनली कौन सा मोशन रहेगा? लीनियर मोशन। समझ में आया? अभी एक साथ लिखना, एक और अजम्पशन में बता देता हूँ। फ्लूइड डायनेमिक्स में या फ्लूइड इन मोशन में इनका जो मोशन रहेगा या फ्लो रहेगा, यहाँ पर हम बोलेंगे फ्लो, वो रहेगा स्ट्रीम लाइन फ्लो। कैसा फ्लो रहेगा? स्ट्रीम लाइन फ्लो, या इसको हम लेमिनार फ्लो भी बोलते हैं। कौन सा फ्लो बोलते हैं? लेमिनार फ्लो। अब मैंने आपको स्ट्रीम लाइन बताया था क्या होता है ना? यानी तो जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हमेशा एक फिक्स्ड पाथ पर मूव करेंगे, जैसे ये फिक्स्ड पाथ है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। इसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रीम लाइन। अब ये स्ट्रीम लाइन स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है या कर्व के फॉर्म में भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आया? सो ये हमारा अजम्पशन है। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे लास्ट अजम्पशन में? जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं fluid particles will move on fixed path known as streamline। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, अब इस स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है? सबसे पहले तो जो पार्टिकल्स स्ट्रीम लाइन पर मूव करेंगे, पहली बात तो ये समझ में आ गई स्ट्रीम लाइन फ्लो की, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इस फ्लो की, या लेमिनार फ्लो भी बोलते हैं इसको। इस फ्लो की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई कि सारे पार्टिकल्स एक फिक्स्ड पाथ पर मूव करेंगे जिसे हम स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। समझ में आया? यस सर। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? जैसे मान लो ये स्ट्रीम लाइन, ठीक है,
यहां पर मैं एक पॉइंट लेता हूं मान लो ए, और यहां पर एक दूसरा पॉइंट है ना, ये वो फिक्स पाथ है जिसके अलोंग पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं फ्लूइड के, है ना, इधर से पार्टिकल्स आ रहे हैं इधर, ए से भी निकलेंगे वो, है ना, और फिर लेटर ऑन बी से भी निकलेंगे, उनको ए से भी पास होना है और बी से भी पास होना है, सभी पार्टिकल्स को होना है कि नहीं होना है? Yes, sir. होना है। मान लो जब वो ए से निकलेंगे तब मान लो कोई पार्टिकल निकला, ए से निकला तो उसकी वेलोसिटी ये वी है, और थोड़ी देर बाद बी से निकला तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पर हो गई वी बी, समझ में आया, किसी एक पार्टिकल की बात की मैंने, है ना। अब उसके पीछे वाला जो पार्टिकल था, एक पार्टिकल यहाँ वी ए से निकला, थोड़ी देर बाद वो यहाँ भी आ जाएगा, अभी मान लो इस अभी यहाँ पर है, यहाँ पर मत देखो अभी, अभी यहाँ पर देखो ए पर, एक पार्टिकल, वो जो पार्टिकल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसकी वेलोसिटी यहाँ पे वी है, ये बात समझ में आई? यस सर। इसके जस्ट बाद वाले वाला जो पार्टिकल होगा, इसके जाने के बाद यहाँ से निकलने के बाद इसका नंबर आएगा यहाँ पर, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। यस सर। तो इसके बाद वाला पार्टिकल की वेलोसिटी भी यहाँ पर उतनी ही होगी जितनी इसकी थी, कितनी थी वी ए, समझ में आया? यस सर। कहने का मतलब क्या है, इस पॉइंट पर जितने भी पार्टिकल्स निकलते जा रहे हैं लाइन से, सारे निकलेंगे ना इस पॉइंट से, ये पॉइंट फिक्स है, पार्टिकल फिक्स नहीं है, यहाँ पर ये पॉइंट फिक्स है, इस पॉइंट से स्ट्रीम लाइन लाइन पर ये पॉइंट है, बहुत सारे पार्टिकल्स निकलेंगे एक एक करके, है ना। यस सर। सब सबकी वेलोसिटी इतनी होगी, डायरेक्शन भी यही रहेगी, मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, समझ में आया क्या? यस सर। इस पॉइंट पर, अब जब वो सारे पॉइंट इस बी पर भी निकलेंगे, तो जैसे मान लो पहले कोई निकला उसकी वेलोसिटी वी बी थी, उसके बाद वालों की भी इस पॉइंट पर वेलोसिटी इतनी ही रहेगी, समझ में आया क्या? कहने का मतलब क्या, स्ट्रीम लाइन में सारे पार्टिकल सेम सेम मोशन फॉलो करते हैं, कि पहले वाला पार्टिकल यहाँ से मान लो 10 मीटर पर सेकंड से निकला, तो बाद वाले सारे भी पार्टिकल्स इस पॉइंट पर 10 मीटर पर सेकंड से ही निकलेंगे, समझ में आया? ए की बात कर रहा हूँ। फिर मान लो एक पार्टिकल यहाँ से मान लो 15 से निकला, तो बाकी सारे जो पीछे पीछे आ रहे होंगे सब बी पर आते आते उनकी भी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, समझ में आया? यस सर। यस। तो इसको हम लिख लेते हैं, ऑन ए स्ट्रीम लाइन फ्लो एट ए पॉइंट ऑल द पार्टिकल्स हैव सेम वेलोसिटी, ये बात समझ में आई? सबकी क्या होती है सेम, मींस एवरी फ्लूइड पार्टिकल विल फॉलो द मोशन ऑफ fluid particle ahead of him, ठीक है, ऐसे फ्लो को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो, क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो या लेमिनार फ्लो, है ना। इसका जस्ट अपोजिट होता है टर्बुलेंट फ्लो, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे आगे जाके, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग लोगे तो, ठीक है। बट इसका मैं आपको रियल लाइफ में एग्जांपल बता सकता हूँ थोड़ा सा। जब आपने रिवर को देखा है, अगर रिवर बिल्कुल धीरे धीरे चल रही कम स्पीड पे, है ना, जैसे विंटर्स में आप रिवर को देखो बिल्कुल धीरे धीरे चलती रहती है, yes, स्ट्रीम लाइन में चलती है, कैसे चलती है, स्ट्रीम लाइन में, लेयर बाई लेयर, ये सब इसके स्ट्रीम लाइन, समझ में आया। और आपने रेनी सीजन में रिवर को देखा है कभी? यस सर। देखा है ना, जब फ्लड वगैरह आ जाती रिवर के अंदर, हाँ, तब वो थोड़ा ना ऐसे फिक्स्ड पाथ फॉलो करते हैं या फिक्स्ड
आगे वाले पार्टिकल के पाथ को फॉलो करेंगे जो स्ट्रीम लाइन में होता है, वो रेंडमली इधर उधर जा सकते हैं टर्बुलेंट फ्लो में, तो समझ में आया क्या? आया समझ में? यस सर। सो टर्बुलेंट फ्लो इसका जस्ट अपोजिट होता है, वो हायर स्पीड पर होता है, लोअर स्पीड पर जनरली स्ट्रीम लाइन फ्लो अचीवेबल होता है, ठीक है? सो वो सब हमें डिस्कस नहीं करना है अभी, हमें बेसिकली हमारा अजम्पशन ये है कि जो हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड डायनेमिक्स में, जो फ्लो हम पढ़ने वाले हैं या जो मोशन हम पढ़ने वाले हैं वो है स्ट्रीम लाइन फ्लो या लेमिनार फ्लो। समझ में आया क्या? समझ में आ गया तक? यस सर। लिखो वन मिनट। हो गया? यस सर। ये भी लिखो, ये अजम्पशन है, ठीक है? ये सारे अजम्पशन से 1, 2, 3 एंड ए फोर्थ। हो गया? वन मिनट सर। यस सर। अब देखो फ्लूइड डायनेमिक्स में हम दो इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं, एक हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और एक हम पढ़ेंगे बर्नौलीज थ्योरम। ये दोनों इक्वेशन से फ्लूइड डायनेमिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर सकते हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? लिख लिया सबने? यस सर। बता दूं ये पे? यस सर। फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे?
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. डन. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी समझने के लिए हमें वॉल्यूम फ्लो रेट और मास फ्लो रेट, ये दो टर्म समझनी पड़ेगी. वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है और मास फ्लो रेट क्या होता है. ठीक है, वॉल्यूम से समझो. वॉल्यूम फ्लो रेट का मतलब क्या होगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एनी लिक्विड, मीन्स इसकी यूनिट आएगी मीटर क्यूब पर सेकंड में. जैसे एक पाइप में वाटर फ्लो हो रहा है, एक पाइप में या लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो एवरी सेकंड इस पाइप के किसी एक पॉइंट से या एक क्रॉस सेक्शन से कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर क्रॉस कर रहा है. समझ में आया क्या? यस सर. जैसे यहां से मान लो 2 मीटर क्यूब पर सेकंड निकल रहा है, ठीक है, वॉल्यूम. तो इस जगह से हर एक सेकंड में कितना वॉल्यूम निकल रहा है लिक्विड का? 2 मीटर क्यूब निकल रहा है. इसको बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट. ये कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा वो हमें देखेंगे. ठीक है, सो वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. समझ में आया? किसी पाइप में या ट्यूब में. ठीक है, सो जैसे मान लो ये एक पाइप है या ट्यूब है, इसमें लिक्विड फ्लो रहा है इस तरीके से, ये उसके स्ट्रीम लाइन है. ये सब क्या है? इनको स्ट्रीम लाइन बोलते हैं, पाथ, है ना. इसका मान लो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ट्यूब का ए, और लिक्विड की डेंसिटी है, जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, रो, है ना. अब मान लो किसी टाइम टी पर मैं लिक्विड के कुछ पार्टिकल्स की बात करता हूं. मान लो किसी टाइम टी पर लिक्विड के ये पार्टिकल्स इस जगह पर थे, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर थे. समझ में आया क्या? मान लो लिक्विड वी की स्पीड से फ्लो रहा है. कितनी स्पीड से फ्लो रहा है? वी की स्पीड से. समझ में आया? सो मान लो टी इक्वल टू टी पर ये लिक्विड के पार्टिकल्स जिनको मैंने सेलेक्ट किया है, मैं इनकी स्टडी करूंगा, ये सारे पार्टिकल्स यहाँ पर है. समझ में आया? टी इक्वल टू जीरो पर बोल देता हूँ मैं, टी इक्वल टू जीरो. तो डी टी टाइम में ये सारे पार्टिकल्स कितना आगे जाएंगे? डी टी टाइम में हमें डिस्टेंस बताना है. डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम. स्पीड कितना है वी और टाइम कितना है डी टी. कितना आगे जाएंगे? वी डी टी. जाएंगे कि नहीं जाएंगे? dt टाइम के अंदर. तो t इक्वल टू dt टाइम में थोड़ा सा आगे आ जाएंगे. जीरो पर तो यहाँ पर थे, ठीक है, dt टाइम में मान लो यहाँ आ गए. समझ में आया क्या? इस क्रॉस सेक्शन पर तक आ गए वो. आया समझ में? यस सर. ये सारे पार्टिकल ने इतना ट्रेवल कर लिया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितना ट्रेवल किया होगा. v dt. बोलो ये बात समझ में आई? स्पीड इनटू टाइम क्या है मेरे? Yes, sir. है ना? अब मैंने पूछा dt टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से कितना वॉल्यूम पास हुआ होगा. dt टाइम में जो सबसे पहले पास हुए थे वो यहाँ आगे, आगे कि नहीं आगे? dt टाइम में यहाँ से यहाँ आगे ना. उसके बाद इतना और आ गया है इसके अंदर. समझ में आया क्या? Yes, sir. इतने पार्टिकल्स dt टाइम में क्रॉस हो गए इस क्रॉस सेक्शन से. यस सर. समझ में आया क्या? ये बात समझ में आई? यस यस सर.
ये पूरे पार्टिकल्स यहां से लेके यहां तक डीटी टाइम में क्रॉस हुए, समझ में आया क्या? यस सर। अगर किसी को नहीं आया तो मैं फिर से बताता हूँ, ये समझ में आ गया? मैंने कैसे बताया? टी इक्वल टू जीरो पे कुछ पार्टिकल यहाँ थे, वो टी इक्वल टू डी टी पर यहाँ तक आ गए, है ना? उतनी देर में ये यहाँ खाली जगह थोड़ी ना है, यहाँ पर भी तो वाटर है, समझ में आया? यस सर। या लिक्विड है, तो सबसे पहले मान लो लिक्विड यहाँ से शुरू हुआ था, तो वो वाले पार्टिकल यहाँ आ गए, तो उसके पीछे पीछे इतने और आ गए ना, ये पूरा पूरा डी टी टाइम में, समझ में आया क्या? तो यस इतने लिक्विड ने ये क्रॉस सेक्शन क्रॉस किया डीटी टाइम में, आया समझ में? तो क्या मैं इनका वॉल्यूम निकाल सकता हूँ कि कितना वॉल्यूम क्रॉस किया होगा? ये वॉल्यूम होगा डीवी, क्योंकि डीटी टाइम में ज्यादा वॉल्यूम तो क्रॉस नहीं किया होगा ना, यहां से यहां तक ये पूरा वॉल्यूम कितना होगा? ये पूरा वॉल्यूम कितना होगा? डीवी इज इक्वल टू कितना होगा? वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू ये लेंथ या हाइट बोल दो इसको, ये पूरा वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, समझ में आया? यस सर। इस लिक्विड का वॉल्यूम निकालना है मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा इतना वॉल्यूम क्रॉस हुआ ना डीटी टाइम में, समझ में आया? तो एरिया इनटू दिस लेंथ वी डी टी, तो क्या आएगा? ए वी डी टी, आया समझ में? यस सर। तो इस डी टी से मैं इधर डिवाइड करूंगा, तो डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू आएगा ए वी, ये डीवी बाई डी टी क्या, यही है वॉल्यूम फ्लो रेट है, वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम, समझ में आया क्या? डीवी बाई डी टी, आया समझ में? इसकी यूनिट वॉल्यूम की क्या होती है? मीटर क्यूब। टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो मीटर क्यूब पर सेकंड, ये हमें जो चाहिए था वो आ गया ना, वॉल्यूम फ्लो रेट, दिस इज वॉल्यूम फ्लो रेट, है ना? इसकी यूनिट क्या आएगी? इसकी यूनिट क्या आएगी? मीटर क्यूब पर सेकंड, समझ में आया? ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन तो होगी नहीं, ठीक है? ये लिखो फिर, हम मास फ्लो रेट निकालते हैं। तो वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या आया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, तो यूनिट आएगी मीटर क्यूब पर सेकंड। सर डेरिवेशन वापस बता सकते हैं एक बार? हाँ वापस से देखो, बॉटम वाला। देखो ये मैंने के लिए एक पाइप लिया, ठीक है? इस पाइप में ये लिक्विड फ्लो हो रहा है, ये इसके स्ट्रीम लाइन है, समझ में आया? यस ये लिक्विड इधर से आ रहा था, ठीक है? मान लो टी इक्वल टू जीरो पर ये लिक्विड यहाँ तक आ गया, समझ में आया? यस सर। वी की स्पीड से आ रहा है, तो डी टी टाइम में टी इक्वल टू डी टी पर ये यहाँ से यहाँ तक और आ जाएगा, कितना आगे बढ़ जाएगा ये लिक्विड, समझ में आया? यस सर। कितना आगे बढ़ जाएगा? वी वी डी टी, आया समझ में? अब इतने टाइम में मैंने पूछा ये वाले क्रॉस सेक्शन से कितने वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ने क्रॉस किया, तो वो ये आएगा, इतने ने क्रॉस कर दिया ना, बाकी तो पीछे ही है इसके, समझ में आया? यहाँ तक लिक्विड आ गया ना पूरा, तो इतना लिक्विड और भर गया यहाँ पे, समझ में आया? डीटी टाइम में इसको क्रॉस कर दिया, फर्स्ट वाले ने क्रॉस किया था टी इक्वल टू जीरो पर, टी इक्वल टू जीरो से डीटी तक इतने ने और क्रॉस कर दिया है, तो ये वॉल्यूम मैंने निकाल लिया ना, समझ में आया? ये डीटी टाइम में क्रॉस किया इतना वॉल्यूम, तो डीटी से डिवाइड कर दो तो वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाएगा, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम करेंगे तो टाइम से डिवाइड कर दो, टाइम कितना लिया मैंने डीटी, समझ में आया? यस सर। सर हाँ बोलो। हम वॉल्यूम फ्लो रेट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक पाइप दिया हुआ है, वाटर के वाटर ने लिक्विड की वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, और एक
पाइप एक एंड से खुला है तो एक सेकंड में कितना लिक्विड उस एंड से बाहर निकलेगा, वो इससे भी बोल यस सकते हैं क्या? यस दैट इज द वॉल्यूम फ्लो रेट. लिख लिया सबने? यस सर, यस सर, अब देखो हमने एक अजम्पशन क्या माना था, फ्लूड इज इनकॉम्प्रेसिबल, मतलब उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है और डेंसिटी भी कांस्टेंट है ना, सॉरी वेलोसिटी नहीं, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है और डेंसिटी भी कांस्टेंट है. इसका मतलब क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पर, वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम कंजर्व है. इसका मतलब इधर से एवरी सेकेंड जितना लिक्विड का वॉल्यूम एंटर करेगा उतना ही एवरी सेकंड इस पाइप से एग्जिट भी करेगा. समझ में आया क्या? मान लो इधर से 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अंदर आ रहा है, तो इधर से 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड बाहर भी आएगा. समझ में आया? यस सर, ऐसा तो है नहीं इधर से 10 आया और इधर से 9 ही निकला. समझ में आया क्या? वॉल्यूम कंप्रेस तो हो नहीं सकता. आया समझ में? वॉल्यूम इज इनकम्प्रेसिबल. ठीक है, नाउ मास फ्लो रेट. मास फ्लो रेट का तुम नाम से समझ गए होंगे, वॉल्यूम फ्लो रेट था, वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. मास फ्लो रेट क्या होगा? मास मास फ्लोइंग फ्लोइंग पर पर यूनिट यूनिट टाइम, टाइम। रेट एट विच मास इज फ्लोइंग. सो इसको हम कैसे निकालेंगे? डीएम बाई डीटी ऐसे निकालेंगे ना. वॉल्यूम फ्लो रेट था डीवी बाई डी टी, है ना? ये क्या होगा? डीएम बाई डी टी. समझ में आया? यस सर, अब डी टी टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो हुआ था? डीवी. डी टी टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो हुआ था? डीवी. डीवी डीवी का मास कितना होगा? वो होगा डीएम. तो डीएम। डीएम कैसे निकालेंगे? मास कैसे निकालते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये लिख देंगे ना डीएम की जगह. समझ में आया क्या? डीएम की जगह में उसकी जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी इंटू उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना. डीएम यस मास सर, किसका मास है? डीवी वॉल्यूम का मास है डीवी डीएम. वॉल्यूम। तो इसके वॉल्यूम को मैं इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डीएम आ जाएगा. समझ में आया क्या? यस हाँ सर, सर. सो डीएम की जगह क्या लिख दूंगा मैं? रो डीवी अपॉन डीटी. और डीवी बाई डीटी क्या होता है? एवी हाँ, ये वॉल्यूम फ्लो रेट है. समझ में आया? वॉल्यूम फ्लो रेट को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो मास फ्लो रेट आ जाएगा. तो क्या फॉर्मूला है मास फ्लो रेट का? रो ए वी. समझ में आया? सर, एवी दिस में इज जो वी है वो वॉल्यूम है ना, टोटल वॉल्यूम। एवी में वी है स्पीड ऑफ द लिक्विड. ओके, यहाँ पे वी क्या लिया था हमने? यहाँ पे वी अच्छा लिख दो, हाँ, स्पीड ऑफ समझ में आया. वॉल्यूम यस सर, तो ये था डीवी. ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखते हैं. एक साथ लिखना इसको, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. जैसे मान लो मैंने एक पाइप लिया है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहा है. अब इसमें लिक्विड आ रहा इसमें लिक्विड एंटर हुआ, ये लिक्विड की स्ट्रीम लाइन है. स्ट्रीम लाइन पता है ना क्या होता है? यस सर,
ठीक है, ऐसे लिक्विड जिसमें फ्लो रहा है अलोंग दिस स्ट्रीम लाइन, यहां पर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस जगह पर मान लेते हैं A1, ठीक है, और यहां पर लिक्विड एंटर हुआ है V1 की स्पीड से, यहां पर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2, और यहां पर लिक्विड बाहर आया है V2 की स्पीड से। समझ में आया? यस यस। अब हमें क्या पता है, वॉल्यूम कंजर्व है कि नहीं? वॉल्यूम कंजर्व है ना, ये लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल है, पता है कि नहीं पता है? यस हमने अजम्पशन माना है ना शुरू से, मतलब वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, डेंसिटी भी कांस्टेंट है, लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल है, ठीक है। सो वॉल्यूम कंजर्व है, इसका मतलब क्या है, यहां पर जितनी वॉल्यूम फ्लोट फ्लोरेट होगी उतनी वॉल्यूम फ्लोरेट एग्जिट पर भी होगी जितनी एंट्री पर होगी। समझ में आया क्या? कहने मतलब क्या, एवरी सेकंड जितना वाटर या लिक्विड अंदर आ रहा होगा उतना बाहर भी निकलेगा। समझ में आया क्या? Yes. समझ में आया? यस सर। सो मैं क्या बोल सकता हूँ, वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है, dV/dt एट एंट्री, मतलब 8.1 इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम फ्लो रेट 8.2। समझ में आया? अब वॉल्यूम फ्लो रेट 8.1 क्या होगा, फॉर्मूला क्या आता है वॉल्यूम फ्लो रेट का, एवी एरिया इनटू वेलोसिटी, तो एरिया कितना है इन वन पर A1 इनटू वेलोसिटी कितनी है V1, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं A1 V1 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखूंगा A2 V2, ये होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यू। समझ में आया? यस सर। समझ में आया? आप इसको चाहो तो ऐसे भी प्रूफ कर सकते थे, आप वॉल्यूम की जगह मास कंजर्व भी कर सकते थे, मास मास भी कंजर्व होता है ना, मान लो एवरी सेकंड जितना किलोग्राम वाटर अंदर आ रहा होगा उतना ही किलोग्राम वाटर बाहर भी निकल रहा होगा, ऐसा तो नहीं इधर 10 किलोग्राम अंदर आया एवरी सेकंड और इधर से 12 किलोग्राम निकल जाएगा, ऐसा होगा क्या? नो सर। नो सर। यस सर। तो मास फ्लो रेट कांस्टेंट है, तो आप क्या लिखोगे, वन पर जो मास फ्लो रेट है रो ए वी, ये होता है ना फॉर्मूला, तो रो वन ए वन वी वन इज इक्वल टू रो टू ए टू वी टू। अब डेंसिटी तो चेंज होती नहीं, डेंसिटी कांस्टेंट होती है, ये इनकॉम्प्रेसिबल है, मतलब यहाँ पर वाटर की जो डेंसिटी होगी उतनी डेंसिटी यहाँ पर भी होगी, तो रो वन और रो टू तो कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इक्वल होगा ना रो वन और रो टू तो। समझ में आया? यस सर। तो लास्ट में क्या आएगा, A1 V1 is equal to A2 V2, ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। अब इसको ध्यान से देखो, अगर एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और अगर एरिया कम है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो V1 बढ़ा या V2 इसके हिसाब से? V2। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, V is inversely proportional to area, velocity, ये वॉल्यूम नहीं है, ये क्या है, वेलोसिटी है, स्पीड है, inversely proportional, कम एरिया होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, आपने देखा होगा जब आप मान लो पाइप से वाटर फ्लो करवाते हो गार्डनिंग वगैरह में, गार्डन में, तो अगर आपको दूर तक पानी भेजना है तो आप उसकी नोजल पर अपनी फिंगर रख लेते हो, रखते हो कि नहीं रखते हो, ताकि वो ज्यादा स्पीड से बाहर निकलता है। समझ में आया? हाँ, उसको दबा देते हो या उसको बंद कर देते हो, ज्यादा स्पीड से बाहर निकलता है तो उसकी रेंज ज्यादा आती है, ज्यादा दूर तक जाके गिरता, ऐसा करते हो ना, तो आप क्या करते हो, एरिया कम कर देते हो तो स्पीड बढ़ जाती है। समझ में आया? वॉल्यूम तो उतना ही निकलेगा ना बाहर, वॉल्यूम तो बाहर उतना ही निकलेगा जितना एंटर हो रहा था, अगर आपने एरिया कम कर दिया तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी लिक्विड को, ताकि उतना ही वॉल्यूम बाहर निकल पाए। समझ में आया? यस यस। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो इसको। लिख लिया?
इसमें एक और चीज देखो, जिस रीजन में स्ट्रीम लाइन पास पास आ जाते हैं वहां पर स्पीड ज्यादा होती है, जिस रीजन में स्ट्रीम लाइन पास पास आ जाते हैं, यहाँ पे थोड़े पास पास आ गए ना, क्राउडेड हो गए, वहां पर स्पीड ज्यादा होती है, और जिस रीजन में दूर दूर होते हैं, जिस रीजन में स्ट्रीम लाइन दूर दूर होते हैं वहां पे पार्टिकल की स्पीड कम होती है। ठीक है, दिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Sir, please wait. Yes, sir. इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इधर से हम ये पिस्टन को धक्का दे रहे हैं, पिस्टन है, ठीक है, तो इधर से लिक्विड बाहर निकलेगा, समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, इधर इस ये वाला एरिया में गिवन है, यहाँ पर ये है 20 mm² और इस पिस्टन को हम इधर आगे लेके जा रहे हैं, ट्वेंटी मीटर पर सेकंड से। ठीक है, ये वाला एरिया भी हमें गिवन है, ये स्मॉल एरिया है, 4 mm इसका। तो हमसे पूछा ये लिक्विड यहां से कितना दूर गिरे, रेंज, इसकी रेंज पूछी हमसे, सोल्व करो, रेंज का फॉर्मूला पता है ना, प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था हमने। यस सर। ये हाइट, हाइट भी चाहिए ना इसके लिए, ये हाइट ले लो 20 मीटर, तो 20 mm² है ना? हाँ, मिलीमीटर स्क्वायर में एरिया दोनों। ओके सर। तुम ही सॉल्व करो, इसमें मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ।
हो गया सर, लास्ट फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ये निकाल लिया, यहाँ पर ये कितनी स्पीड से बाहर जाएगा? हाँ सर 100 क्या मीटर है? पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड। देखो एरिया 1/4 हो गया, 1/5 हो गया, तो स्पीड 5 टाइम्स हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा दो, A1V1 इज इक्वल टू A2V2, है ना? एरिया कितना इधर 20 मिलीमीटर स्क्वायर में पुट कर दो, क्योंकि दोनों तरफ एरिया है ना, यूनिट से फर्क नहीं पड़ेगा, सेम यूनिट में पुट करो यस सर, इधर मिलीमीटर स्क्वायर में तो इधर मिलीमीटर स्क्वायर में, तो 20 मिलीमीटर स्क्वायर भी लिख देता हूँ मैं। V1 कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड, है ना? A2 कितना इधर? 4 मिलीमीटर स्क्वायर इंटू V2, मिलीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर कैंसिल, 4 से 5 टाइम्स, तो V2 कितना आएगा? 5 इंटू 20, 100 मीटर पर सेकंड। तो इधर 100 मीटर पर सेकंड से ये लिक्विड बाहर जा रहा है, रेंज टू 100 मीटर से गया, तो ये यहाँ जाके गिरेगा। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी देर में नीचे गिरेगा? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड वाला केस है, समझ में आया? यस सर, समझ में आया क्या? रूट 2h/g, ठीक है? सो 2 इनटू 20/10, 2 सेकंड में, 2 सेकंड में नीचे जाके गिरेगा। तो रेंज, रेंज क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? ये तो 100 ही रहेगा ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये तो चेंज होगा क्या? नो सर, नहीं। तो 100 इनटू 2 कितना दूर जाके गिरेगा? 200, समझ में आया? हो गया? यस सर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इधर ये पाइप में ये लिक्विड आ रहा है और इधर से दो पाइप में डिवाइड हो रहा है, ठीक है? यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है मुझे 30 मिलीमीटर स्क्वायर, यहाँ का भी गिवन है 10 मिलीमीटर स्क्वायर, और यहाँ का भी गिवन है 15 मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर स्पीड गिवन है, दोनों दो जगह स्पीड गिवन, यहाँ पर ये 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, और यहाँ पर 15 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, ठीक है? इस जगह पर, इस पाइप में, तो इस पाइप में इसकी स्पीड कितनी होगी हमसे पूछा, समझ में आया? यस सर, ट्राई करो। कंसेप्ट तो वही बोलता है, वॉल्यूम कंजर्व है ना, जितना वॉल्यूम इधर एंटर हो रहा होगा उतना इन दोनों से मिलके बाहर निकलेगा, समझ में आया क्या? यस सर। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में लगाऊं तो एंटर वॉल्यूम क्या होगा? A1V1 मान लो, और बाहर निकल रहा है A2V2 प्लस A3V3,
वॉल्यूम फ्लो रेट, इतना वॉल्यूम फ्लो रेट एंट्री पर है और ये दोनों मिलके एग्जिट पर है। समझ में आया क्या? यस सर। ये समझ में आया ना कंसेप्ट? इधर मैंने ऐड क्यों किया, ये दोनों मिलकर बाहर निकल रहा है ना, ये पूरा वॉल्यूम दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। समझ में आया? तो इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा ना। मान लो यहाँ से 10 मीटर क्यूब पर सेकंड आ रहा है, 6 इधर गया तो 4 इधर जाएगा, तो क्या लिखूंगा, 10 मीटर क्यूब पर सेकंड इज इक्वल टू 6 मीटर क्यूब पर सेकंड प्लस 4 मीटर क्यूब पर सेकंड, ऐसे ही तो लिखूंगा। हाँ यस सर, यस सर। मतलब कहने का मतलब क्या, A1V1 इज इक्वल टू A2V2 प्लस A3V3। तो A1V1, तो यहाँ पर एरिया कितना है, अब यूनिट यूनिट सब मिलीमीटर स्क्वायर में रख रहा हूँ, तो 30 यूनिट लिखूं क्या, आप ऐसे लिखूं क्या, मिलीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया ना अब तो? यस है ना। तो 30 × 10, यहाँ पे स्पीड कितनी है 10, इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है 10 × 15। समझ में आया? प्लस यहाँ पर एरिया कितना है 15 × स्पीड है मान लो v। समझ में आया? तो 300 और ये 150, तो 15v इज इक्वल टू 300 माइनस 150, मतलब 150, तो v कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकंड। आया समझ में? यस सर। सर ये क्या मतलब एकदम प्रोपोर्शन में चलता है सारे वैल्यूज, एकदम ऐसा मल्टीपल्स जैसी दिख रही है। मतलब ऊपर 10 15 है तो नीचे 15 10 है, ऐसा एरिया और वॉल्यूम, एरिया और अरे वो तो डेटा है, वो डेटा में कुछ भी हो सकता है, वो तो डेटा है, वो तो क्वेश्चन में डेटा चेंज कर दूंगा आंसर सारे चेंज हो जाएंगे। आवाज आ रही मेरी? यस सर, यस सर। लिख लिया? यस सर, यस सर। सो फर्स्ट इक्वेशन हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखी। हाँ बोलो सर। इसमें ऐसा बोल सकते हैं ना कि दोनों जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है लिक्विड, एक उस तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे दोनों तरफ इक्वल वॉल्यूम में जा रहा है, दोनों तरफ इक्वल वॉल्यूम का जा रहा है, उतना ही बाहर निकल रहा है इसलिए। अरे जरूरी नहीं इक्वल वॉल्यूम में जाएगा, इक्वल इक्वल डिवाइड होगा ऐसा जरूरी नहीं है, वो इस क्वेश्चन में हो रहा है बस। समझ में आया? तो सर वो जिस पॉइंट पर डिवाइड हो रहे हैं वहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगा ना, इक्वल जाएगा या अलग अलग जाएगा। हाँ यस, हो सकता है किसी में कम जाए किसी में ज्यादा जाए, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट इज बर्नौलीस थ्योरम। इट इज बेसिकली, हम देखो पढ़ तो मैकेनिक्स ही रहे ना, चैप्टर का नाम ही क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स है ना। यस यस, तो ये पूरा मैकेनिक्स मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं, वर्क पावर एनर्जी ये सब हम पढ़ चुके हैं ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसी के तो कंसेप्ट काम में आ रहे हैं यहाँ पे। सो बर्नौलीस थ्योरम ऐसे समझ लो कि वर्क एनर्जी थ्योरम ही है। व्हाट इज बर्नौलीस थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम जो पढ़ी थी ना, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, हाँ ये यहाँ अप्लाई करेंगे, भूलना नहीं है उसको, ठीक है, वो कहीं पे भी काम में आ जाती। तो बर्नौलीस थ्योरम क्या होता है, देखो जैसे मान लो मेरे पास एक पाइप है, ये
ठीक है, ये मेरे पास पाइप। मान लो यहाँ पर, यहाँ से लिक्विड एंटर कर रहा है और इधर से बाहर निकल रहा है, समझ में आया? तो मैं दो पॉइंट ले रहा हूँ, एक पॉइंट ही ले रहा हूँ वन, और एक पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पर टू। ठीक है, यहाँ से लिक्विड मान लो वी वन की स्पीड से एंटर कर रहा है और यहाँ से वी टू की स्पीड से बाहर निकलेगा। ठीक है, यहाँ से लिक्विड ऐसे, ये मान लो मैंने एक स्ट्रीम लाइन बना देता हूँ, यहाँ से कितनी स्पीड से एंटर कर रहा है V1 से, और यहाँ पर कितने से बाहर निकल रहा है, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, पॉइंट नंबर वन पे V1 की स्पीड से जा रहा है, पॉइंट नंबर टू पे V2 से बाहर निकल रहा है ना। इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो रो फिक्स है, इस लिक्विड की डेंसिटी रो इनकम्प्रेसिबल है, कॉन्स्टेंट है, समझ में आया क्या यहाँ तक? Yes. समझ में आया? मान लेते हैं कि इसकी हाइट ग्राउंड से, इस क्रॉस सेक्शन की हाइट H1 है और इसकी हाइट है H2। ठीक है, धीरे धीरे मैं वेरिएबल्स, आपको सारे वेरिएबल्स इसमें जो काम में आएंगे वो बता रहा हूँ, है ना। मान लो यहाँ पे प्रेशर है P1 और यहाँ पर प्रेशर है P2 लिक्विड का, समझ में आया? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पर प्रेशर है P1 और यहाँ पर प्रेशर है P2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. है ना? अब मान लेते हैं dt टाइम में, कितने टाइम में? dt टाइम में यहां से इसमें पूरा लिक्विड भरा हुआ है ना, इसमें क्या भरा हुआ है पूरा, ये पूरा लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड है ना। ये लिक्विड ही हमारे लिए सिस्टम है जिसकी हम, जिस पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। ये लिक्विड क्या है हमारे लिए, पूरा एक सिस्टम है, समझ में आया क्या, जिस पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, है ना। अब मान लो थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो लिक्विड था इस जगह पर, वो यहां से यहां आ गया, वन से मान लो वो वन डैश पर आ गई, समझ में आया क्या? तो इधर भी लिक्विड आगे बढ़ेगा ना, यहां से मान लो ये लिक्विड आ गया होगा यहां तक टू डैश पर, समझ में आया क्या? सो इधर, इधर जितना लिक्विड का वॉल्यूम इधर आगे बढ़ा होगा, उतना ही वॉल्यूम इधर यहां से वन डैश के बीच में जितना वॉल्यूम आगे बढ़ा, उतना ही टू से टू डैश के बीच का वॉल्यूम रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? Yes, sir. मान लो ये इधर यहाँ से यहाँ तक X1 आगे बढ़ा, यहाँ से यहाँ तक मान लो X2 आगे बढ़ा, समझ में आया क्या? तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम इक्वल है ना, वॉल्यूम ये यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो A1 और यहाँ पर है A2, यहाँ लिखते जाता हूँ, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, यहाँ पर है A2। ये वेरिएबल्स धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स है तो एक एक करके बता रहा हूँ, समझ में आया? व्हाट इज A1, व्हाट इज P1, व्हाट इज P2, व्हाट इज A2, सब ध्यान है। व्हाट इज V1, व्हाट इज V2, व्हाट इज H1, व्हाट इज H2, सब क्लियर हो गया? एंड व्हाट इज डेंसिटी, इतने सारे वेरिएबल्स तो आ चुके हैं, समझ में आया क्या यहाँ तक? यस। सो यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, और यहाँ से मान लो X1 आगे बढ़ा, तो A1X1 इज इक्वल टू A2X2 होगा, बोलो ये बात समझ में आई क्या? यस सर। Yes, अरे मान लो इधर, मान लो इधर एक सेकंड में 10 लीटर वॉल्यूम आया, लीटर भी वॉल्यूम की यूनिट होती, याद है ना? ठीक है, या मीटर क्यूब में बोलो, मान लो 10 मीटर क्यूब इधर वॉल्यूम आया, तो 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम इधर आगे भी तो बढ़ेगा, समझ में आया क्या? Yes, sir. है ना? अब मान लो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं इस लिक्विड की, जो पहले ये था यहां से यहां तक था, समझ में आया? जो सिस्टम पहले यहाँ से यहाँ तक था ना, अब वो देखो वो कहाँ से कहाँ हो गया, ये हो गया, समझ में आया क्या?
Yes, समझ में आया? इन दो पोजीशंस को दिखाया मैंने आपको. सो पहले वाली जो पोजीशंस थी और ये वाली जो पोजीशन है वहां से लेके यहाँ तक हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे. समझ में आया क्या? फिर से yes, देखो sir. फिर से देखो, पहले वाली पोजीशन ये थी, यहां से मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा कहां तक? यहां तक. बोलो समझ में आई बात? ठीक yes, है. अब देखो इन दोनों पोजीशंस में ये वाला लिक्विड तो कॉमन ही है, ये वाला लिक्विड तो कॉमन ही है कि नहीं है? yes, ये तो पहले वाली पोजीशन yes, में भी आ रहा था, दूसरी वाली में भी आ रहा था. तो इस लिक्विड की तो सारी एनर्जी जो पहले थी वो बाद में भी वही रहेगी, तो इसकी एनर्जी लिखने की तो जरूरत ही नहीं है. वर्क एनर्जी थ्योरम में हम क्या लिखते हैं? वर्क एनर्जी लिखते हैं या वर्क लिखते हैं? समझ में आया क्या? Yes, तो इसके लिखने की जरूरत है क्या? ये तो वही के वही है, इतना लिक्विड तो वही के वही है. समझ में आया क्या? Yes, yes, sir. तो इफेक्टिवली अगर आप देखो तो यहाँ पर जो ये लिक्विड था ये फाइनली इतना ही लिक्विड यहाँ आ गया. मतलब इसको मैं बोल दूं ये यहाँ से यहाँ आ गया, आया तो ये पीछे वाला ही होगा, ये वाला ही आया होगा, बट उसको तो मैंने सेम मान लिया ना. समझ में आया? तो इफेक्टिवली चेंज किसका हुआ? ये चेंज हुआ ना इफेक्टिवली, यहाँ पहले जो लिक्विड यहाँ था फर्स्ट वाले सिस्टम में, अब वो सेकंड वाले सिस्टम में यहाँ आ गए. समझ में आया? आया समझ में? यस सर. सो अगर जैसे मैं वर्क एनर्जी फॉर्म लिखूंगा तो उसमें वर्क डन बाय ग्रेविटी भी लिखूंगा. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? ये पहले h1 हाइट पर था, अब h2 हाइट पर आ गया. समझ में आया? इस पर लिखूंगा ना मैं, बाकी तो अपनी सेम जगह पर है ये वाला, तो इन पर तो ग्रेविटी ने कोई वर्क किया ही नहीं. समझ में आया? जो कॉमन है. ये बात समझ में आई सबको? यस सर. यस यस सर. सर ये ग्रेविटी वाला एक बार फिर से बताएं. वर्क वगैरह अभी छोड़ो, मैं जो चीज बोल रहा हूँ वो फिर सुनो. पहले सिस्टम ये था, ठीक है, अब सिस्टम शिफ्ट होके यहाँ आ गया. समझ में आया? यस सर. यस सर. इसमें से कौन सा लिक्विड, कितना लिक्विड अपनी सेम जगह पर है? ये वाला लिक्विड में तो कोई एनर्जी में ज्यादा कोई चेंज आया ही नहीं ना, हालांकि पूरा लिक्विड मूव कर रहा है, बट उसमें से मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये वाले लिक्विड को मैं हटा ही सकता हूँ ना. ये तो अपनी की उसी जगह पे सेम टू सेम. यस. जो भी इफेक्टिव चेंज आया वो ये वाला लिक्विड यहाँ पहुंच गया. तो हमें एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम में हम क्या लिखते हैं? वर्क और एनर्जी के बारे में लिखते हैं ना. तो इस लिक्विड की लिखेंगे जो इसके पहले यहाँ की एनर्जी लिखेंगे, बाद की मैं यहाँ की एनर्जी लिख देंगे. समझ में आया क्या? इफेक्टिवली यहाँ से यहाँ आ गया ना ये. यस सर. अब देखो हर चीज एक ही बार में अच्छे से समझ में आया, ऐसा जरूरी नहीं है. देखो एक एक करके अभी समझ में आती. अब मैं इस पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूँ, ठीक है. तो यहाँ पर किस किस का वर्क डन हो रहा है? एक तो ग्रेविटी का हो रहा है, प्लस ये प्रेशर की वजह से यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा, हमेशा परपेंडिकुलर लगता है. कितना लग रहा होगा? पी वन इंटू ए वन लग रहा होगा ना. और यहाँ पर ऐसे लग रहा होगा P2 into A2. इस पूरे सिस्टम पर लगा रहा हूँ मैं फोर्स. समझ में आया क्या? इस पूरे सिस्टम पर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा. तो यहाँ ऐसे लग रहा होगा, यहाँ ऐसे लग रहा होगा. तो ये प्रेशर का भी वर्क डन है यहाँ पे, है कि नहीं है? yes, प्रेशर का वर्क डन मतलब वो जो प्रेशर फोर्स लगा रहा है उसका वर्क डन. समझ में आया? yes, sir. is equal to k final minus k initial. ये वर्क एनर्जी थ्योरम में इनके अलावा, इन दो फोर्स के अलावा और कोई वर्क हो रहा है क्या यहाँ पे? इन दो फोर्स के अलावा और कोई वर्क हो रहा है क्या? नो सर. नहीं हो रहा है ना. अब वर्क डन बाय ग्रेविटी तो क्या होता है? माइनस mgh है ना. Yes, sir. अगर मैं इसी को रेफरेंस लेवल मान लूं तो यहाँ से कितना ऊपर चला गया? H2 minus H1. तो H की जगह क्या लिख दूंगा? H2 minus H1. समझ में आया क्या? वर्क डन बाय ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, U इनिशियल माइनस U फाइनल. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखूंगा? mg h1 माइनस इनिशियल फाइनल क्या लिखूंगा? mg h2. mg कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? mg h1 minus h2. समझ में आया? H2 बड़ा है तो H2 में इधर लूंगा तो माइनस आगे आ जाएगा. समझ में आया?
यस सर माइनस में एम जी एच टू माइनस एच वन, ये बात समझ में आई? वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, माइनस में एम जी एच टू माइनस एच वन, बोलो ये बात समझ में आई? यस सर। अब यह मास, ये मास किसका लिखूं, इफेक्टिवली किसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, इस लिक्विड की बढ़ी ना, ये यहाँ से उठ के यहाँ आगे, बाकी तो सेम ही है अपनी जगह पे, इतना लिक्विड इतना मास तो अपनी जगह पर ही है, पहले ये मास जो यहाँ था, पूरा सिस्टम ऊपर शिफ्ट होने से ये मास में कोई फर्क पड़ा है क्या, ये मास तो कॉन्स्टेंट ही है ना, इसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी में कोई फर्क पड़ा है क्या, पोटेंशियल एनर्जी में, जब सिस्टम यहाँ था तब भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस वाले पार्ट की तो उतनी थी, और जब फाइनली सिस्टम यहाँ से यहाँ आ गया, समझ में आया, तब भी ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो कॉमन वाला है उसकी तो उतनी रहेगी ना, समझ में आया? तो ओनली इफेक्टिवली मैं किसकी लिखूं, इसकी लिख दूं, यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो इसका मास लिखना मुझे बस पोटेंशियल एनर्जी के लिए, समझ में आया? यस सर। तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो इतना वॉल्यूम कितना होगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए वन, ठीक है, और ये कितना आगे बढ़ा एक्स वन, तो वॉल्यूम कितना होगा ए वन एक्स वन इनटू डेंसिटी, तो मास आ जाएगा, समझ में आया? तो मास की जगह मैं लिख दूं डेंसिटी इनटू ए वन इनटू एक्स वन, समझ में आया? यस सर। अब वर्क डन बाय प्रेशर, या प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा है, एक तो इधर लग रहा है, इधर कितना लग रहा है, पी वन ए वन फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से एक्स वन हो गया, तो कितना आएगा, पी वन ए वन एक्स वन, समझ में आया? यस सर। यस सर। ये स्पीड में कहीं और लिख देता हूं, यहाँ V2 की स्पीड से जा रहा था, ये इधर लिख गया, यहाँ पे फोर्स लग रहा है ऐसे, कितना लग रहा है, P2 into A2, समझ में आया? तो फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, कितना आएगा, माइनस P2 A2 X2, बोलो समझ में आया? यस सर। K final minus K initial. Half mv square mass. Final kinetic energy इसकी. तो mass भी इसका. समझ में आया? Mass कैसे लिखते हैं? Density into volume. Volume कितना होगा? A2 X2. आया समझ में? ये तो आ गया mass. इंटू वी टू स्क्वायर, आया समझ में? यहाँ पर कितनी स्पीड से बाहर निकल रहा है वी टू, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, के फाइनल माइनस के इनिशियल, इस लिक्विड की, इसका मास, मास हम पहले लिख चुके हैं, इसका हाफ रो ए वन एक्स वन, ये मास आ गया हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी वन स्क्वायर, समझ में आया क्या? Yes, sir. अब यहाँ पर A1 X1 जो वॉल्यूम ये वाला था उतना ही वॉल्यूम ये होगा, अभी बताया था मैंने, क्योंकि वॉल्यूम कंजर्व है ना? Yes. तो A1 X1 से A1 X1 और A2 X2 इक्वल है, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, समझ में आया? Yes, sir. तो इधर क्या बचा, P1 माइनस रो जी एस टू प्लस रो जी एच वन माइनस पी टू, तो प्लस वाले सब एक तरफ और माइनस वालों को सब दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो वो सब प्लस हो जाएंगे, तो मैं इधर पहले प्लस प्लस वाले लिख रहा हूँ, तो प्लस वाला क्या बचा, पी वन प्लस क्या बचा, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो रो जी एच वन ये बचा ना, समझ में आया? यस सर।
और इधर ये माइनस वाला, इसको मैं उधर ले आता हूँ तो ये भी प्लस हो जाएगा, सारी टर्म्स प्लस में आ जाएगी, हाफ रो वी वन स्क्वायर। समझ में आया क्या? यस सर। इज इक्वल टू, अब ये माइनस वाले इधर ले जाता हूँ, माइनस पी टू इधर जाएगा तो प्लस पी टू हो जाएगा पी टू, और ये माइनस रो जी एच टू है वो उधर जाएगा तो प्लस रो जी एच टू हो जाएगा, रो जी एच टू प्लस ये इधर ये बचा बस हाफ रो वी टू स्क्वायर। समझ में आया क्या? ये बर्नौली थ्योरम है या बर्नौली की इक्वेशन है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो हमने दो जगह इक्वेशन लगाई थी, वन पर और टू पर। वन पर प्रेशर था पी वन, टू पर था पी टू। वन पर हाइट थी एच वन, टू पर थी एच टू। वन पर स्पीड थी वी वन और टू पर थी वी टू। समझ में आया क्या? यस सर। तो वन से टू तक ऐसे ही लगाएंगे, ये याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे हम? नीचे लिखता हूँ, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट रहता है। समझ में आया क्या? बेसिकली ये एनर्जी कंजर्वेशन ये कैसे है अभी मैं बताऊंगा आपको, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको बोलते हैं बर्नौली थ्योरम। समझ में आया? ये बर्नौली इक्वेशन, इसको इक्वेशन। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। लिखो इसको, मैं आता हूँ 1 मिनट। मेरी वॉइस आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर। नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ये लिख लिया था क्या सबने? बहुत सर बाकी। Thank you.
डन सर। वन मिनट हटा दूं। यस सर हो गया। सो इसको थोड़ा सा और समझते हैं। देखो जो इक्वेशन आई है वाई ए पी, इसको फिर से समझाने से पहले मैं आपको एक टर्म सिखाता हूँ, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मान लो किसी ऑब्जेक्ट के पास कुछ एनर्जी है तो उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो हमें क्या मिल जाएगी, उसकी एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगी। समझ में आया क्या? यस सर। है ना, जैसे पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी की हम बात करें, किसी के पास मान लो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी तो ये होगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या होगा, तीन एनर्जी डेंसिटीज हम पढ़ेंगे, ये होगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आया? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच बाई वी। तो एम जी एच में वी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एम बाई वी करेंगे तो क्या आएगा, मास अपॉन वॉल्यूम करते हैं तो क्या आता है, डेंसिटी। तो ये क्या बन जाएगा, रो जी एच, मान लो डेंसिटी है रो। समझ में आया क्या, व्हाट इज रो जी एच? रो जी एच होता है पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आया? तो अगर आप इसमें इनटू वॉल्यूम कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। एनर्जी डेंसिटी को अगर आप इनटू वॉल्यूम कर दो तो आपको एनर्जी मिल जाएगी, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। ये पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जीज होती है, ठीक है, किसी भी सिस्टम के पर यूनिट वॉल्यूम में। सेकंड, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोले, है ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे v, ये v स्पीड नहीं है, वॉल्यूम है। ऊपर वाला v स्पीड है और नीचे वाला, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आया? तो क्या आएगा, मास अपॉन वॉल्यूम करेंगे तो क्या बना देता ना, एरो मार देता v के ऊपर। ये काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर नहीं आ सकता। समझ में आया? ये स्पीड होता है, वी क्या होता है इसमें, स्पीड। ओके, ठीक है। तो मास अपॉन वॉल्यूम करेंगे तो क्या आएगा, डेंसिटी। तो ये आएगा हाफ रो वी स्क्वायर। समझ में आया? तो इस टर्म में ध्यान से देखो, रो जी एच क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हाफ रो वी स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी। ये भी एक एनर्जी डेंसिटी, कौन सी, ये तीनों एनर्जी डेंसिटी का सम कांस्टेंट होता है, ये बर्नौली इक्वेशन होती है। ये है प्रेशर एनर्जी, इसको अभी तक हमने नहीं पढ़ा था, क्योंकि प्रेशर एनर्जी होती है फ्लूइड्स में। ये कौन सी एनर्जी होती है मैं बताता हूँ, थर्ड हम पढ़ेंगे प्रेशर एनर्जी डेंसिटी। ये क्या होगा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। अब सबसे पहले प्रेशर एनर्जी क्या होता है वो देख, देखो प्रेशर एनर्जी मतलब प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से वर्क डन हुआ होगा। जैसे ये हुआ ना वर्क, इस प्रेशर की वजह से तो वर्क हुआ, यहाँ पे इस प्रेशर की वजह से ये फ्लो हुआ है लिक्विड यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस प्रेशर ने वर्क किया है ना, किया है कि नहीं किया। हाँ, ये लिक्विड यहाँ से ऊपर किसका ना, वन से वन डैश तक, तो किसकी वजह से हुआ है, प्रेशर की वजह से। समझ में आया क्या?
और जब वर्क होता है तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि इस प्रेशर ने जो वर्क किया होगा वो इसके अंदर स्टोर हुआ होगा, तो जिस फॉर्म में स्टोर हुआ होगा उसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। समझ में आया क्या? Yes. तो इसने कितना वर्क किया वो इसकी प्रेशर एनर्जी। मान लो इसने छोटा सा वर्क किया तो प्रेशर का फोर्स कितना होता है, प्रेशर इंटू एरिया। मान लो इसने dx डिस्प्लेसमेंट किया तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हुआ प्रेशर एनर्जी। समझ में आया? Yes. है ना। अब आप ध्यान से देखो तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वॉल्यूम। ये छोटा सा वॉल्यूम, इसको हम PdV भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? PdV। समझ में आया? Yes. आया समझ में? So, yes, sir. तो प्रेशर एनर्जी डेंसिटी क्या आएगी, PdV अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम dV, dV से dV कैंसिल। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो इक्वल टू क्या आया, प्रेशर ही आया। प्रेशर एनर्जी डेंसिटी मतलब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो प्रेशर ही होता है। समझ में आया? Yes, sir. So, यहाँ पे लिख दूं मैं, दिस इज प्रेशर एनर्जी डेंसिटी। समझ में आया? दिस इज पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी। इन तीनों का सम कांस्टेंट होता है। इन तीनों का सम क्या होता है, मतलब ये एनर्जी कंजर्वेशन ही तो है। दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन, बर्नौली थ्योरम, और क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब हम जब भी ये थ्योरम लगाएंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो दोनों पॉइंट की इन तीनों एनर्जी का सम इक्वल करेंगे, तीनों एनर्जी डेंसिटी का सम इक्वल करेंगे दोनों जगह पे। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया? Yes, sir, समझ में। Yes, sir. तो ये लिखो फिर अगले वाले पेज में जो लिए था, ये इसमें भी ज्यादा कुछ टफ नहीं, समझ में आ जाए तो इजी है फिर, है ना। मैंने इजी वे में बताया, हो सकता है आप बुक्स वगैरह में देखोगे वो टफ लगेगा। हमें इसकी एप्लीकेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इसकी एप्लीकेशन जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, डन सर। ये हो गया ना। अब रुको, ये लिख लेना, एक और चीज मैं बता देता हूँ, हालांकि उसकी जरूरत नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वजह से, तो बट ये टर्मिनोलॉजीज बुक्स में लिखी होती, तो आप कहीं पढ़ोगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, ऐसा लगे कि ये हमने नहीं पढ़ा, तो मैं आपको बता देता हूँ। इक्वेशन क्या आई थी, पी प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आई थी ना। ये आपको याद ये रखना है, आपको ये इक्वेशन याद रखना। समझ में आया क्या है? मैंने बता दिया, ये प्रेशर एनर्जी डेंसिटी है, ये पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी है, ये काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, तीनों का सम कांस्टेंट रहता है। समझ में आया? अब अगर मैं सर ये पूरी इक्वेशन को पॉइंट के लिए है ना, हाँ मतलब एक पॉइंट पे कैलकुलेट किया ये सब और फिर दूसरे पॉइंट पे कैलकुलेट किया तो फिर वो सब कांस्टेंट आएगा। हाँ, वो इक्वल कर दो। समझ में आया? ओके सर। जैसे यहाँ क्या लिखा था, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्या लिख सकता हूँ? हाँ सर। समझ में आया? फिर यहीं से तो ये आया, वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाई एरिया, मतलब वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया,
समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा था, ये जो इक्वेशन है इसमें अगर आप रोजी से डिवाइड कर दो तीनों को तो क्या आएगा, P बाई रोजी प्लस ये आएगा H प्लस ये आएगा V स्क्वायर बाई 2G, ये आएगा ना इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट में रोजी से डिवाइड करोगे तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, रो और G क्या है, रो डेंसिटी भी कॉन्स्टेंट है, G भी कॉन्स्टेंट है, तो ये कॉन्स्टेंट ही रहेगा। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। वेरिएबल से P H V, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, ये मैंने क्यों किया, ये हो सकता है आपको किसी बुक्स वगैरह में लिखा हुआ मिल जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं, इनके नाम याद रखने बस आपको, इसको बोलते हैं प्रेशर हेड। इसको क्या बोलते हैं, इस टर्म को प्रेशर हेड, प्रेशर हेड मतलब पी बाई रोजी। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड, एच हाइट मतलब उस पॉइंट की, ग्रेविटेशनल हेड। और इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड। समझ में आया, बस लिख लो उसको। हमें जो भी आगे पढ़ना है, जो डिस्कस करना है, वो इसी के बेसिस पर होगा। दो इक्वेशन याद रखनी, एक तो ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, और एक ये। समझ में आया? यस सर। हो गया? यस सर। सो लास्ट टाइम डन। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, ये कंटेनर में एक लिक्विड भरा हुआ, ये रेस्ट पर है, मैं रेस्ट पर भी बर्नौलीज़ थ्योरम लगा सकता हूँ, ठीक है। मान लो एक पॉइंट है ये और एक पॉइंट है ये, इसका ये ग्राउंड से लेवल है, मैं लिख देता हूँ, मान लो H1, और इसका है H2, है ना, ये पॉइंट नंबर टू है, ये पॉइंट नंबर वन है, ठीक है। अब इस, मान लो इस लिक्विड की डेंसिटी है रो, यहाँ पर प्रेशर है मान लो P1 और यहाँ पर है P2, मैं बर्नौलीज़ थ्योरम अगर इसमें लगाऊं तो 1 से 2 के बीच में अगर मैं बर्नौलीज़ थ्योरम लगाऊं तो क्या लिखूंगा, P1 प्लस रो जी एच वन प्लस हाफ एम सॉरी हाफ रो वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू पी टू प्लस रो जी एच टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर। समझ में आया क्या? यस सर। है ना,
अब ये रेस्ट पर है तो वी वन और वी टू तो जीरो ही होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे? यस सर, यस सर। तो सबसे पहले मुझे बताओ पी वन बड़ा या पी टू बड़ा? पी वन बड़ा होगा। पी वन तो पी वन माइनस अगर मैं पी टू निकालू तो क्या बनेगा? पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, रोजी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? एच टू माइनस एच वन, एच टू माइनस एच वन ने मान लो एच, तो पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू क्या आ गया? रो जी एच, या फिर पी वन इज इक्वल टू क्या आ गया? पी टू प्लस रो जी एच। ये आपको पहले से भी पता था, ये हमने बर्नौलीज थ्योरम से भी प्रूफ कर लिया। ये पता था कि नहीं पता था ये? यस सर, पता था। यस सर, समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर ये वाली एनर्जी जीरो, तो इस केस में क्या बोल सकता हूँ मैं? पी प्लस रो जी एच, अगर इसको बोल हाइड्रोस्टेटिक है ना, हाइड्रोस्टेटिक फ्लूड है ना, समझ में आया? इसके केस में P प्लस रो जी एच इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट। देखो इनके पास दो एनर्जी होगी, एक तो पोटेंशियल एनर्जी होगी और एक प्रेशर एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं स्टैटिक के केस में, समझ में आया? तो प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहेगा। अगर कहीं पर प्रेशर एनर्जी ज्यादा है तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, जैसे यहाँ पर, यहाँ पर प्रेशर एनर्जी ज्यादा है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम है ना, ये क्योंकि कम हाइट है इसकी, समझ में आया? और कहीं पर पोटेंशियल एनर्जी अगर ज्यादा है तो वहां प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी, जैसे यहाँ पर, समझ में आया क्या? यस सर, यस सर। अगर हाइट ज्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा, हाइट कम होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा, आया समझ में? यस सर। हो गया? यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन और करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल पाइप है, इधर से लिक्विड आ रहा है, ठीक है, ये एरिया ऑफ केस क्रॉस सेक्शन मान लो यहाँ पर ये वन पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर जो फ्लूड एंटर कर रहा है वो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से कर रहा है, ये वी वन है, समझ में आया? यस
ये लिक्विड की डेंसिटी गिवन है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, मतलब ये वाटर है। यहां पर इस वाले पॉइंट पर हमें एक तो स्पीड बतानी है, स्क्वायर क्यों लिख दिया मैंने, सेंटीमीटर पर सेकंड में स्पीड है। इस पॉइंट पर हमें एक तो स्पीड बतानी है, बताओ वो कैसे बताएंगे सर? a1 = a2 v2। यस, और इस पॉइंट का हमें प्रेशर गिवन है, इस पॉइंट का प्रेशर है 4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, टू पॉइंट का, ये पॉइंट नंबर टू है। तो हमसे यहाँ का प्रेशर पूछा है, यहाँ का प्रेशर पूछा है, फाइंड प्रेशर एट वन पॉइंट वन, जल्दी से निकाल लो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। चलो यहाँ पे स्पीड निकाल ली, कैसे निकालेंगे, a1 v1 = a2 v2। a1 कितना है 15 × 20 is equal to 3 × v2, समझ में आया? Yes sir। तो 3 से 5 times तो v2 कितना आएगा 100 cm/s, समझ में आया? समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। ये V2 आ गया, ठीक है, मतलब 1 m/s, ठीक है। अब बर्नौली थ्योरम लगा दो, ये दो इक्वेशन से आपका काम चल जाएगा। हाँ कुछ बोल रहे हो आपने उधर गलती से 1 m/s² लिख दिया। अच्छा सॉरी, ठीक है। देखो फ्लूइड डायनेमिक्स में आपका ये दो इक्वेशन अगर आपको आती है और एक सेकंड जो हम लगाएंगे तो आपके लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, समझ में आया? इस तरीके तो सेकंड इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं, P1 + ρgh1 + ½ρv1² = P2 + ρgh2 + ½ρv2², समझ में आया क्या? यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने लगाई 1 और 2 पे, मतलब जितनी 1 पर एनर्जी उतनी 2 पर एनर्जी होगी, ये मैंने लिख दिया है ना। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल पाइप है, जैसे ये वाला पाइप क्या था, ये हॉरिजॉन्टल नहीं था, ये ऊपर जा रहा था ना, इसकी हाइट इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पर ये हाइट थी, यहाँ पर ये हाइट, इस पाइप की हाइट सेम है। देखो मान लो अगर ये ग्राउंड है तो इस पॉइंट की जो हाइट है वो इस पॉइंट की हाइट, तो यहाँ ρgh और ρgh ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर। यस सर। तो ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे क्योंकि इनकी दोनों जगह पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों पॉइंट की सेम है हॉरिजॉन्टल पाइप पे। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल पाइप है, समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। अब हमें P1 निकालना है, हमें P1 + ½ρ, रो की वैल्यू पुट कर देंगे 1000 × V1 कितना था ये सेंटीमीटर में, तो 20/100 m हो जाएगा × 20/100, स्क्वायर करेंगे ना, समझ में आया? इज इक्वल टू P2 कितना है 4 × 10⁵, समझ में आया? प्लस हाफ रो, रो कितना है 1000 × V2 कितना है 1 का स्क्वायर 1 × 1, आया समझ में? यस सर।
बस इसको सोल्व कर लो, पी वन आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। अब देखो एक चीज याद है, हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए, अगर पाइप क्या हो हॉरिजॉन्टल, तो जो बर्नौलीज थ्योरम थी ये वाली, उसमें ये हट जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इधर होगा कि नहीं होगा हॉरिजॉन्टल पाइप में, क्योंकि दोनों साइड पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी। समझ में आया? तो बर्नौलीज थ्योरम क्या बचेगी फिर, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बचेगी कि नहीं बचेगी? यस सर। इसका मतलब क्या, डेंसिटी तो कांस्टेंट है, देखो ये कांस्टेंट है। अगर किसी जगह पर वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है ना। समझ में आया क्या? यस सर। मतलब जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी हॉरिजॉन्टल पाइप में, वहां प्रेशर कम होगा, और जहां पर वेलोसिटी कम होगी वहां प्रेशर ज्यादा होगा। ऐसे याद रखो आपकी, जहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वहां, देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का तो कोई लॉजिक नहीं है, हर जगह सेम रहेगी वो तो हॉरिजॉन्टल पाइप में, है ना। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो प्रेशर एनर्जी कम होगी, और काइनेटिक एनर्जी कम है तो प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगी। समझ में आया क्या? देखो इस यहाँ पर पाइप पतला हो गया इस जगह पर, तो यहाँ पर स्पीड बढ़ गई होगी, ये तो समझ में आता है ना। Yes, sir. मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, तो यहाँ प्रेशर कम होगा। समझ में आया? यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कम है तो यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, P1 की वैल्यू P2 से ज्यादा आएगी। समझ में आया क्या? Yes, sir. लिख लिया? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। हैव अ गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।